नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुरेश कुमार सेवलिया के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने बताया था कॉन्टैक्टर के बारे में। दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर क्या करता है, मल्टीमीटर का वर्क क्या है। दोस्तों, ये देखिए मल्टीमीटर आपके सामने। ये जो मल्टीमीटर है दोस्तों, ये क्या काम आता है और इसे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ये लीड है, इसको लीड बोलते हैं, या इसको प्रोब बोलते हैं, प्रोब भी बोलते हैं इसको। तो ये प्रोब इसमें कैसे लगाएंगे, इसमें दोस्तों जो आपको ये दिख रही है कॉमन, इस पे अपन ब्लैक वाला लगाएंगे, प्रोब लीड, और ये रेड वाला लगाएंगे इसके अंदर, ये वी ओम मिली एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इसको लगाएंगे हम इसमें रेड वाले को। ठीक है दोस्तों, अपने लगा दिया। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन देखते हैं इसके अंदर, ये अभी ऑफ अवस्था में है, ये भी अभी बंद है दोस्तों। तो अपन इसको ऑन करेंगे। दोस्तों ये ऑन हो गया। दोस्तों इसमें बता रखा है ये एसी, ये इसमें ऐसे बता रखा दोस्तों, बी और ये वोल्टेज हो गया, और ये होगा दोस्तों एसी का सिंबल हो गया। ठीक है दोस्तों, इससे अपन वोल्टेज वोल्टेज नापते हैं, वोल्टेज मेजरिंग करेंगे दोस्तों। तो अपन जो अपना वोल्टेज होता है सामान्य तौर पर अपने घरों में वोल्टेज आता है 240 आता है दोस्तों। ठीक है, थ्री फेस होती है, एसी सप्लाई वाला ना दोस्तों, थ्री फेस में होता है दोस्तों 440 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसमें मेजर करेंगे दोस्तों, इसका पहले 200 वोल्टेज, इसमें तो 200 वोल्टेज दे रखा दोस्तों, और एक 750 वोल्टेज दे रखा है। इसमें 200 वोल्टेज दे रखा है और 750 वोल्टेज दे रखा है। तो अगर अपन को जैसे अपन एसी सप्लाई चेक करनी, तो अपने 230 240 से ऊपर आती है अपनी सप्लाई घरों में। तो अपन अपने ये 200 से ऊपर हो गया दोस्तों, 200 से ऊपर हो गया, तो अपन इसमें सेट करेंगे 750 में। इसलिए अपने इसमें देखो ये 750 में सेट कर रखा है दोस्तों, इसमें सेट कर रखा है। तो अपन इसमें सब एसी सप्लाई चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे अगला आता है दोस्तों ये साइड में, ये 200 है दोस्तों, ये सॉरी ये डीसी है दोस्तों, डीसी का सिंबल ऐसा आता है दोस्तों। ये डीसी पावर है, जिसे अपने बैटरी बैटरी की सब बैटरी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। चौबीस वोल्टेज हुआ, 12 वोल्टेज हुआ, 3 वोल्टेज हुआ, 9 वोल्टेज हुआ, आप इसमें चेक करेंगे दोस्तों। अभी दोस्तों मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को देख अच्छा लगे तो लाइक करो दोस्तों, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो डीसी का होता है, डीसी का जो होता है,
अपन चेक कर सकते हैं डीसी का, 3, 9, 24, 12 वोल्ट जितना भी हो। अब इसमें भी दे रखा है, अगर इससे भी ज़्यादा हो तो इसमें 1000 वोल्टेज तक अपन देख सकते हैं। इसमें 200 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, 2000 मिली एम्पियर, सॉरी वोल्टेज, 200 मिली वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये एम्पियर का सिंबल है, ये एम्पियर का सिंबल है। इसमें अपन इसके अंदर अपन मिली मिली एम्पियर का एम्पियर देख सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर जब बता रखा है 2000 मिली एम्पियर हो गया, 20 मिली एम्पियर हो गया, और इसके अंदर हो गया 20 मिली एम्पियर। और दोस्तों ये 10 मिली एम्पियर से नीचे अपन करेंगे तो इस प्रोब में अपन वो लगाएंगे, ये प्रोब उठा के इस वो प्रोब में लगा देंगे दोस्तों, और इससे अगला अपन चलाते हैं दोस्तों। इससे अगला चलते हैं इसमें, दोस्तों ये देखो HFE है दोस्तों। ये इस पे लगाएंगे तो उस पे क्या होगा दोस्तों, अपन जो ट्रांजिस्टर आता है, ट्रांजिस्टर टू टाइप के होते हैं। इसमें होता है एक तो NPN, एक होता है PNP। ठीक है दोस्तों, एक NPN होता है, एक PNP होता है। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, जिसमें देख बता रखा है NPN और PNP, तो उसमें जो इसमें कलेक्टर बेस और इमिटर होता है, जिसका जिसकी तीन जो टांगे होती है दोस्तों, तीन तीन टांगों को इसमें फिक्स करेंगे, उसके हिसाब से इसमें बता दिया जाएगा, इसमें जो शो करेगा फिर मल्टीमीटर में अपने में, वैसे ही NPN का वैसे PNP का करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दोस्तों ये है कंटिन्यूटी का सिंबल है दोस्तों, कंटिन्यूटी। इसमें जो भी फॉल्ट वॉल्ट होता है दोस्तों, केबल शॉर्ट सर्किट हो गई, मान लो केबल शॉर्ट है कहीं, जैसे कि केबल हो गया, शॉर्टिंग चेक करने के लिए काम आते हैं दोस्तों। मान लो जैसे ये अपनी केबल हो गई दोस्तों, ठीक है, इसका एक सिरा पॉइंट यहाँ लगाएंगे प्रोब का, एक सिरा पॉइंट यहाँ लगाएंगे, एक सिरा पॉइंट यहाँ लगा दिया दोस्तों, एक सिरा पॉइंट यहाँ लगा दिया। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो क्या होगा इसमें, ये दोनों में कनेक्ट हो गया, तो इसमें अगर बजर बजेगा, बजर तो क्या होगा, इसमें आवाज़ आएगी बीप की। इसमें स्पीकर लगा हुआ है दोस्तों, जो जो कनेक्ट करेंगे दोनों को, इस दोनों कनेक्ट करेंगे तो इसमें आवाज़ आ रही है इस कंटिन्यूटी के, इसीलिए अपन यहाँ एक सिरा इसमें लगाएंगे, एक सिरा इसमें लगाएंगे तो आवाज़ आएगी, तो मतलब कि अपनी केबल सही है, इसमें कंटिन्यूटी भी दिखा रही है। इसी काम में कोई भी शॉर्टिंग, कोई भी शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। इसी आगे चलते हैं दोस्तों, ये अपन ने सेट कर दिया ओम। ओम किसका सिंबल होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस का। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने के लिए अपन इसमें 200, 2000, 20 के किलो ओम, 200 किलो ओम, 2000 किलो ओम, क्या है कि हम इसके रेजिस्टेंस चेक, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
मल्टीमीटर के बारे में मैंने बताया दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।